नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र गुप्ता के फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपको पता ही होगा कि रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष 16 जून को रिलीज होने जा रही है, जिसमें प्रभास, रितिक सनून वगैरह। जय श्री राम गाना भी फिल्म को गर्म नहीं कर पाया। अब मेकर्स ने एक नई तरकीब सोची है। खबर है कि हर थिएटर हॉल में एक सीट खाली रखी जाएगी। किसके लिए? हनुमान जी के लिए। ये टोटका है ताकि लोग आए, खाली सीट को देखे कि कहीं हनुमान जी तो बैठे हुए नहीं है। क्या अजीब दिमाग पाया है मेकर्स ने। हम उन्हें एक मुफ्त सलाह देना चाहेंगे, एक पर एक टिकट फ्री तो बांटे ही, और उसके बावजूद अगर थिएटर फुल नहीं होता है तो बाकी सारे देवी देवताओं के नाम पर भी एक सीट खाली छोड़ दें। और ख्याल रहे कि महान ज्ञानी रावण की सीट भी रिजर्व करें। अगर लंकेश्वर नाराज हो गए तो बची कुछी ऑडियंस का भी अपहरण करके न ले जाएं। क्या आपने बूस्टर डोज लिया था? नहीं लिया तो अच्छा ही किया। वैसे खबर है कि 90% जनता ने बूस्टर डोज नहीं लिया। हमारी मुलाकात हुई द ग्रे हाउस के सेट पर मशहूर अभिनेता किरण कुमार जी से। उन्होंने हमें एक शॉकिंग न्यूज बताई। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बूस्टर डोज लिया तो अगले दिन सुबह उनके पैर जमीन पर नहीं रखे जा रहे थे। उनकी पत्नी का बुरा हाल हो गया था और काफी सीरियस मामला हो गया था। लिहाजा लीलावती हॉस्पिटल में गए, एक बड़े सर्जन फ्रेंड को दिखाया। उसने चेकिंग करके बताया कि नी के पीछे एक बहुत बड़ा ब्लड क्लॉट जमा हो गया और जो काफी रिस्की है, इससे उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर उन्होंने तुरंत सर्जरी नहीं की तो मामला गंभीर हो सकता है। इसके लिए किरण जी को 3 महीना बेड रेस्ट लेना पड़ता था। लेकिन साथ ही उसने कहा कि अगर दवाई से वो ब्लड क्लॉट कम हो जाता है तो उनको आराम मिल जाएगा। उन्होंने दवा ली और 90% ब्लड क्लॉट निकल गया, लेकिन अभी भी ब्लड क्लॉट का छोटा सा हिस्सा उनकी नी के पीछे है, जो जब तब उन्हें तकलीफ देता रहता है। हम खाली विवेक अग्निहोत्री से जानना चाहेंगे, जिनकी 11 अगस्त को फिल्म रिलीज हो रही है वैक्सीन वॉर, क्या उन्होंने अच्छा खासा रिसर्च किया है कि पहला डोज, दूसरा डोज और बूस्टर डोज के क्या साइड इफेक्ट थे? कहीं प्रोपेगेंडा फिल्म तो नहीं है रूलिंग पार्टी को खुश करने के लिए? उम्मीद है कि विवेक अग्निहोत्री ने इन सब बातों का भी फिल्म में ध्यान रखा होगा। सिद्धांत चतुर्वेदी का अफेयर अमिताभ बच्चन की ग्रैंड डॉटर नाव्या से। फ्लॉप ये चल रहे 30 वर्षीय सिद्धांत का अफेयर आजकल 25 साल की नाव्या नंदा से चल रहा है। 6 महीना पहले दोनों एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में मिले थे और जब तक मिलते रहे, लेकिन स्वीकार नहीं किया कि दोनों का अफेयर है। और अब दोनों खुलेआम एयरपोर्ट पे साथ में निकले, जो गोवा से आए थे। एयरपोर्ट पर फोटोग्राफर को देखते ही सिद्धांत सकपक आ गए और कहा, तुम लोगों को ज्यादा सरप्राइज दे दिया मुझे। खैर, सिद्धांत ने अपना कैरियर शुरू किया था 2016 में वेब सीरीज लाइफ सही है। उसके बाद उन्होंने किया इनसाइड एज और पहली बड़ी फिल्म मिली उनको गली बॉय, जो 2019 में आई थी। उसके बाद पिछले 4 सालों में लगातार फ्लॉप फिल्में दी है, जैसे कि बंटी बबली 2, गहराइयां दीपिका के साथ जो OTT पर आई थी, फोन बूथ 2022 में आई थी। फिलहाल वो फ्लॉप ही चल रहे हैं, कोई बड़ा काम उनके पास नहीं है। कुछ भी हो, फिल्में तो बड़ी नहीं मिल पाई, लेकिन एक रोमांस के मामले में सिद्धांत ने बहुत बड़ा हाथ मारा है। बॉक्स ऑफिस जरा हटके जरा बचके, एक पे एक फ्री का जादू चौथे दिन ही खत्म हो गया। 22 करोड़ का डिसेंट वीकेंड के बाद मेकर्स को उम्मीद थी कि मंडे से थर्सडे भी अच्छा कलेक्शन होगा, लेकिन कलेक्शन गिरकर रह गया 3.5 से 4 करोड़ के बीच। और पहले हफ्ते का कलेक्शन होगा मैक्सिमम 35 करोड़, यानी कि मेकर्स के हाथ में आएंगे करीब 15 करोड़। अब जब पिक्चर 55 करोड़ की बनी है, 40 करोड़ की रिकवरी कहां से होगी? अभी जियो की फिल्म है, दिखा देंगे कि OTT राइट हमने 40 करोड़ में खरीदे, लेकिन ये अनरियलिस्टिक फिगर है। अगर सच्चाई देखा जाए तो OTT की वैल्यू 8-10 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। खैर, जियो वाले कुछ उल्टी गंगा बहा रहे हैं। निर्माता दिनेश विजन को लगा 6 करोड़ का लॉस। जी, आपने सही सुना। जब एक पे एक टिकट का ऑफर दिया तो दिनेश विजन ने टिकटें बुक की 25 लाख पूरी और फ्री में बांटी लोगों को, इससे उनको करीब 6 करोड़ का लॉस हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कलेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर ने क्या क्या हथकंडे अपनाए। विकी कौशल, जो पिछले 4 सालों से OTT के हीरो बन चुके हैं, उनकी फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है, जो बनी है मात्र 55 करोड़ की। दूसरी तरफ शाहिद कपूर, जो खुद को बड़ा एक्टर मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, वो फिल्म बनी है 150 से 200 करोड़ के बीच और वो पिक्चर रिलीज हो रही है फ्राइडे को जियो सिनेमा पर, ब्लडी डैडी। अभी कॉर्पोरेट के दिमाग में क्या चलता है, क्या उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, हमारी समझ के बाहर है। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।